दोस्तों आपको पता है कि YouTube में चैनल मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा का वॉच टाइम चाहिए। अच्छा तो मोनेटाइज होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि TikTok में इस तरह का काम करने के लिए कितना सब्सक्राइबर चाहिए? 1,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए। इस तरह की दोस्तों कुछ रिपोर्ट निकल के आई है। आप दोस्तों सोचेंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर कहां से आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, तो आप गलत फहमी में दोस्तों। हमारा शॉर्ट वीडियो का चैनल देख लीजिए जाकर, 4-5 ही वीडियो है दोस्तों और सब्सक्राइबर आप वहां जाके देख सकते हैं कितना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग की। मॉर्निंग में दोस्तों हमने बहुत ही जबरदस्त वीडियो डाल दिया है। कुछ अपडेट दोस्तों Xiaomi के और Redmi के फोन में अब नहीं आएंगे, जाके देख लीजिए दोस्तों वीडियो, वो कौन कौन सा है यहां बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं कल के पोल की। हमने आपसे पूछा था कि ट्विटर में वीकेंड में हम सोच रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए, तो कितने लोग वहां पर आएंगे स्पेस में लाइव बात करने के लिए। तो दोस्तों 70% लोगों ने कहा कि हाँ आएंगे, 30% लोगों ने कहा कि नहीं आएंगे। तो भैया 30% जो है प्लीज़ आप लोग आ जाइएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी के 70% जो आना चाह रहे हैं तो हम दोस्तों सैटरडे का रात में या शाम में आपको बता देंगे कि कब हम लाइव होने वाले हैं ट्विटर में, तो आप लोग आ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा स्पेस में दोस्तों, आकर हम आप सबसे बात करें। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में दो जबरदस्त फीचर्स आ चुका है। पहला है दोस्तों कि व्हाट्सएप में अगर जो कोई भी ग्रुप एडमिन है तो उसको इतना मतलब अथॉरिटी आप दे दिया गया है, वो किसी का भी मैसेज को डिलीट कर सकते। कभी कभी लगता है क्या परमानेंटली सबके आंखों के सामने से। आप दूसरा जो है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि रिएक्शन फीचर्स में नया तरह का इमोजी आ गया है जिसको आप कर सकते हैं और रिएक्शन दे सकते हैं। वैसे दोस्तों आप हमारे वीडियो में रिएक्शन देके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई तरीका है भीख मांगने का, क्योंकि दोस्तों लाइक बहुत ही ज्यादा कम कर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब वाईफाई की। वाईफाई 7, अभी तक दोस्तों वाईफाई 6 चल रहा है, लेकिन दोस्तों वाईफाई 7 ने Qualcomm ने बता दिया है कि ये वाईफाई 7 2024 में आएगा चिपसेट वगैरह में। अब इसका जो रेंज था दोस्तों वो तकरीबन 20 मीटर का था, लेकिन ये जो है दोस्तों 50 मीटर का होने वाला है, इस तरह की कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है। और ये दोस्तों 6 GHz पे काम करेगा, ये भी रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है 7 जब आएगा तो ये कितना ज़्यादा वाइडर होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों यूट्यूब बंद होने वाला है, ऐसा आपको लगता है और थंबनेल भी आप देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यूट्यूब का दोस्तों एक नया तरह का जो ऐप आया था यूट्यूब गो, जो दोस्तों लाइटर फोन में चलता था। कैसा लगा मेरा मजाक? अगस्त में दोस्तों ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में ये लॉन्च हुआ था पिछले साल और इसको रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिला, इस वजह से दोस्तों यूट्यूब गो जो है लाइटर वर्जन के लिए बंद हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं यूट्यूब गो यूज़ किए हैं आज तक, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल की। गूगल का दोस्तों एक अतरंगी रिपोर्ट आ गया है कि ये बताया जा रहा है कि गूगल क्रोम में दोस्तों अब आप वॉइस असिस्टेंट के जरिए अपना आईडी और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब आईडी नहीं पासवर्ड को चेंज कर सकते, इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। अब आप चेंज किए और भूल गए, या फिर चेंज किए और पता नहीं चला कि क्या लिखा है, तो भैया आप फंस भी सकते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए। और ये कैसे काम करेगा पता नहीं, लेकिन इस तरह की फीचर्स आ चुकी है, जाइए देखिए चेंज करके चेंज होता है या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्पल की। एप्पल की तरफ से दोस्तों दो न्यूज़ है। पहला जो है दोस्तों एप्पल के मतलब जो उसके ऐप स्टोर है उसमें कुछ भी आप बाय करेंगे तो आप दोस्तों वहां पर कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं, RBI की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि आईफोन 14 का जितने भी सीरीज़ है सबका लाइव इमेज जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और इसकी स्पेसिफिकेशन आ गई है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 14 और 14 मैक्स आने वाला है, और दोस्तों 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स आने वाला है, मतलब 4 डिवाइस आएगा जिसमें से 14 और 14 मैक्स में दोस्तों A15 बायोनिक चिप होगा, और 14 प्रो और प्रो मैक्स में दोस्तों A16 बायोनिक चिप होगा। बाकी ओवरऑल सब देखने हैं सेम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा, बाकी दोस्तों इन दोनों में जो नॉर्मल वर्जन है उसमें दोस्तों 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा। ये भेदभाव आपको सही लगता है दोस्तों एप्पल का, कमेंट में अपनी राय जरूर। तो चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है संजय जैन ने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल है कि Xiaomi और Redmi का जो फोन होता है क्या उन दोनों के फीचर्स में कोई डिफरेंस होता है, मतलब दोस्तों जो Xiaomi के नाम से लॉन्च होते हैं और Redmi के नाम से लॉन्च होते हैं क्या फीचर्स में कोई डिफरेंस होता है? तो हाँ होता है। अगर आप 15,000 या 10,000 का फोन लेंगे तो उसमें अलग फीचर्स मिलता है, 20,000 का फोन लेंगे तो अलग फीचर्स मिलेगा, और 35,000 का फोन लेंगे तो उसमें भी अलग फीचर्स मिलेगा। इस पर हमने डिटेल वीडियो किया है Redmi Note 10 Pro
और दोस्तों Xiaomi का Redmi Note 11 इन दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है जाके देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि दोस्तों जो फीचर्स वाला मामला रहता है ना वो AMOLED डिस्प्ले, कैमरा, सेंसर और प्रोसेसर को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए इनका फीचर्स को डिसाइड किया जाता है कि किसमें क्या फीचर्स डालना है या नहीं डालना। तो आप बात समझ गए होंगे, इसलिए दोस्तों फीचर्स थोड़ा बहुत, सारा का सारा नहीं, थोड़ा बहुत दोस्तों कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है लाइटर वर्जन और एक्सपेंसिव वर्जन में, इस तरह का दोस्तों कुछ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग दोस्तों अपना एक माइक्रो एसडी कार्ड आज लॉन्च कर दिया। कल दोस्तों उन्होंने आपको जैसा बताया था, कल का न्यूज़ देख लीजिए, कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों आज SSD लॉन्च किया और ऐसा बताया जा रहा है कि 100 Mbps का इसमें स्पीड मिलेगा और 16 साल तक इसको दोस्तों आप ऑन रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होगी इंडिया में, कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi 12 Lite की। तो दोस्तों इसके कलर ऑप्शन और वेरियंट वगैरह दोस्तों देखे जा रहे हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब लाइट पर हम इतना लाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइट है Xiaomi 12 आई के नाम से इंडिया में आएगा और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये लाइटर होगा, मतलब पैसा कम खर्चा होगा लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है फ्लैगशिप मिलेगा। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं फटने वाला फ़ोन का, एक कतार में खड़ा हो चुका है OnePlus 10R। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। अब ये दोस्तों चाइना में एक बंदे के पास था और उसका दोस्तों टेम्परेचर जो है 60.4 पहुंच चुका था, मतलब दोस्तों 60 डिग्री टेम्परेचर इसका पहुंच चुका था। तो ये फटेगा या नहीं आप बताइए कमेंट में। लेकिन दोस्तों चाइना का जो वातावरण का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो समझ लीजिए कि लगभग 20 से 22 इस तरह का रहता है, क्योंकि ठंडा इलाका है दोस्तों चाइना। आज की यहाँ के इंडिया के जैसा गर्मी नहीं पड़ता, फिर भी दोस्तों 60 डिग्री पहुंच गया। तो इंडिया में जब रहता ये और इस तरह का कुछ मामला होता तो ये कितने डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता था, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप नथिंग की। नथिंग फ़ोन 1 का दोस्तों लॉन्च डेट बाहर आ गया है। कालपाई आए और धड़ल्ले से दोस्तों एक ट्वीट किए। अब ट्वीट में दोस्तों बाहर जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं सब बोल दिए, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है कि ये कब लॉन्च होगा। ये दोस्तों 9 जून को शाम के 4:20 में लॉन्च होगा। मतलब दोस्तों ये ऐसा हाइप मचा रहे हैं ना कि पता नहीं क्या लॉन्च होने वाला है। अरे भैया फोने हैं ना, उसके अलावा और क्या होगा। आपको जो भी लगता है, आप दोस्तों इंटरेस्टेड रखते हैं फ़ोन के लिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल पिक्सल बड की। कलर ऑप्शन देखा जा रहा है जो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का। आपको ये कलर ऑप्शन कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटो की। मोटो का 10 मई को दोस्तों लॉन्च होने वाला है चाइना में मोटो फ्रंटायर। अब इसमें दोस्तों ये जो फ़ोन है इसको फ्रंटायर भी बोल सकते हैं या फिर दोस्तों नंबर्स ऑफ फोन भी बोल सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि आप बोलेंगे नंबर्स ऑफ फोन क्यों बोला, एक ही फोन है, लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ नंबर का खेल है। पहला जो है दोस्तों इसका प्रोसेसर 8th generation 1 नंबर आया। दूसरा है दोस्तों इसका कैमरा 194 megapixel, 50 megapixel और 8 megapixel या 2 megapixel का होगा। 60 megapixel का सेल्फी कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी। 150 watt का फास्ट चार्जिंग या 120 watt का फास्ट चार्जिंग। मतलब दोस्तों सिर्फ नंबर में ये खेला जा रहा है। आपको जो भी लगता है अपनी राय ज़रूर दीजिए। 144 Hz का OLED, सॉरी मजाक किए लेकिन ये सच है, ऐसे के साथ दोस्तों ये आएगा। तो ये कितना एक्सपेंसिव होगा, मतलब हर कुछ टॉप ऑफ द नॉच, कमेंट में अपनी राय ज़रूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। उम्मीद है आज का टेक न्यूज़ आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग लाइक थोड़ा कम कर रहे हैं तो बड़ा है ये, ताकि हम भी बढ़े। चलिए दोस्तों और मौत को छूकर टक से वापस आए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।